हेलो दोस्तों, नमस्कारम नमस्कारम। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सब अच्छे ही होंगे। चलिए, क्लास टेंथ का चैप्टर फोर्थ है, एक्सरसाइज 4.4 है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज है, आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए इसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं और सॉल्यूशन करते हैं, और आप इसको अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि हमें फाइंड वैल्यू करनी है के की, ठीक है। और कुछ इक्वेशन दी होंगी, जैसे कि इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक तो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, एक मैं आपको नेक्स्ट ये सॉल्व होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि उस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। उन्होंने बोला था कि इसमें आपके दो इक्वल रूट्स के टाइम, मतलब दो इक्वल रूट्स हों, तब के की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसे पहचाना हमने? क्योंकि इसकी हाईएस्ट टर्म जो है उसकी पावर क्या है? 2। इसी रीज़न से हमें वेरिएबल की पावर क्या है? 2। इससे हमें समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पावर अगर 2 की जगह 1 होती तो ये लीनियर इक्वेशन होती, सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं। तो बेटा, अब इसे सॉल्व करना है किसमें? 2 इक्वल रूट्स के माध्यम से। तो बेटा, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 के इक्वल में, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपके 0 के इक्वल में होता है, ठीक है। फिर बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - k 4ac। और जब मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 के इक्वल में, तो जी इक्वल में 0 आ गया। इतनी सी बात समझ में आई गई होगी, है ना। अब देखिए, यहाँ पे b है 4, तो चलिए कॉन्स्टेंट वैल्यू का हटाओ, a है और c है। तो बेटा, 4ac और b, यहाँ पर मतलब ac और b है, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इससे कंपैरिजन करें इस इक्वेशन को। तो हमने देखा ax² का कंपैरिजन a है, मतलब कोएफिशिएंट a है, और यहाँ पर इसका ax² का कोएफिशिएंट कौन है? 2। तो a इक्वल में क्या हो गया बेटा? 2। तो a के इक्वल में क्या है? 2। दूसरा, b के इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा? k। और c कॉन्स्टेंट वैल्यू, जो कि c के इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा? 3। ये तो आप सभी जानते होंगे। चलो नाउ, अब हमें क्या करना है? इनको वैल्यू को इस फॉर्मूले में फिट करना है, इस फॉर्मूले में फिट करना, और उसके फिट करने के बाद इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फटाफट से करते हैं। b² - k 4ac इक्वल में 0। b का k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस के 4 मल्टीप्लाई में बेटा a, यानी 2 मल्टीप्लाई में 3। ले लीजिए बेटा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कभी अगर बाई चांस 2 इधर लिख जाए, 3 इधर लिख जाए, तो बेटा ये मल्टीप्लाई में है, कोई इशू की बात नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो चाहिए इधर इधर लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर्मूला सही होना चाहिए, इक्वेशन सही होनी चाहिए, नंबर सही होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, बातें बहुत होगी, आगे बढ़ते हैं। k² - k 4 2 8 8 3 24 24 यहाँ आ गए बच्चों, ठीक है, इक्वल में 0। k² इक्वल में माइनस के 24 इक्वल के बाहर चल गए, पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा। अब यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगा दो जिससे ये सॉल्व हो सके। तो दोनों तरफ रूट लगाया बेटा, तो यहाँ पे भी रूट लगाया, तो यहाँ पे भी रूट लगाया, तो हम देख पा रहे हैं कि k तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ रूट कैसे सॉल्व करें? तो बेटा, आपको शायद मैंने बताया है या नहीं, तो मैं आपको अभी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 24 का बेटा अगर आप एलसीएम ले लें, 24 का अगर आप बेटा एलसीएम लें, तो कितना आना चाहिए? मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए साइड में 2 के पारे से काटा, 2 1 2 2 2 4, इससे काटा फिर से 2 से, 2 6 12, अगेन 2 से काटा, 2 3 6, फिर इसके बाद हमने क्या करा? 3 से काटा, तो 3 1 3। देख पा रहे हैं, 1 2 3 बार है 2, 3 एक बार है, यानी 2 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे देखें, ये पेयर बन गया 2 का, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, तो बेटा ये बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 एक बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रूट में, ये सेकंड वाला है, मतलब जब भी इसमें कुछ नहीं लिखा हो नंबर, कैसा नंबर, मतलब यहाँ पर जैसे कि नंबर लिखा है, जैसे यहाँ लग गया अंदर, इस बी वाला आकार का है ना, अगर इसमें लिखा है 3, तो अंदर जो भी नंबर होंगे इनके 3 पेयर बनेंगे, मतलब 3 एक पेयर बनेगा जिसमें 3 नंबर सेम होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर 3 लिखा होता था तो 2 पूरे के पूरे बाहर आ जाता, 1 पूरा बन के, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2 माना जाता है, तो 2 का पेयर बनेगा। तो देखा हमने, एक जो दोनों सेम है, एक पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा बेटा, तो ये 2 बाहर आ गया। और आप सब जानते हैं रूट से कोई भी संख्या बाहर आती है तो प्लस माइनस तो लगता ही लगता है, इसका रीज़न मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी समझाया था। अब बचा एक जे 2 और एक जे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें के की दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गया बेटा पॉजिटिव अंदाज में, और एक मेरे को वैल्यू मिल गई नेगेटिव अंदाज की, ठीक है। चलिए, जो कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ।